सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं राजेश शर्मा श्री कृष्णा प्रॉपर्टी से आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जी डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। होशियारपुर की जो म्यूनसिपल की लिमिट है उससे 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये एक लैंड है 30 एकड़ प्लस। ये सामने से रोड आता है और ज़मीन के साथ साथ इस लैंड को 3 साइड में रोड लगता है। जो ज़मीन है ये 30 एकड़ प्लस लैंड है। ये जो लैंड है इसमें सभी में पॉपुलर लगा हुआ है। 3 मोटरें हैं, 2 10-10 हॉर्स पावर की, 1 12.5 हॉर्स पावर की, पानी का लेवल 120 फीट। ये ज़मीन ये रोड के साथ में ऐसे घूमती है। जो बीच में इसके सफ़ेदा लगा हुआ है वो है लगभग आप लगा के चलिए 2 साल का, 1 साल का और 3 साल का। रोटेशन घूमती है इस फार्म की आमदन की। ये जो लैंड के हम ये सफ़ेदा दिखा रहे हैं ये 3 साल में है, सॉरी पॉपुलर, इस टोटल ज़मीन में पॉपुलर लगा हुआ है। मेरे मुंह से सफ़ेदा निकल गया था और पॉपुलर लगा हुआ है। ये जो पॉपुलर है ये 3 साल का है। ऐसे ही ज़मीन के साथ में रोड घूमता है। ये जो लैंड है डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से कोई 8 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर 30 एकड़ प्लस लैंड स्टैंडर्ड एकड़ 4840 गज का एकड़। ये जो एरिया है होशियारपुर का जहाँ ये आपको फार्म में दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। इस साइड में प्लाई की फैक्ट्रीज का इससे कुछ ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर सेंचुरी प्लाईवुड है और छोटी मोटी काफ़ी इंडस्ट्रियाँ हैं। टोटल लैंड जो लैंड है इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। ज़मीन जो है ये सूटेबल है फॉर एग्रीकल्चर, नियर सिटी फार्म हाउस और ये इसकी मोटर है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। ये ज़मीन को 3 रास्ते लगते हैं। ये रोड के साथ साथ में दोनों साइड में ज़मीन घूमती है, यानी कि इस लैंड को यदि कल को किसी ने CLU करवा के कोई इंडस्ट्री लगानी हो तो उसके लिए भी सूटेबल है, सूटेबल फॉर ऑल काइंड्स पर्पज, फॉर इंडस्ट्रियल, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फार्म हाउस। कई भाइयों का होता है कि सिटी से ज़्यादा दूर कोई हमें ज़मीन मिल जाए तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। यानी कि 30 एकड़ ज़मीन है, 30 किले वड्डी मिनती, एकड़ का साइज 4840 गज, 3 मोटर, सारे ची पॉपुलर लगाया, एक सामने घर बनया, एक दे राइट हैंड साइड से घर है, घर थोड़े रीजनेबल है, यानी कि अपना टाइम पास दे लई वधिया है। विच डिफरेंट काइंड दे प्लाट भी लगे हुआ, रंब दे बूटे हो, फलां दे बूटे, जिहड़ी जमीन 4 क्रम दे रोड दे उपर होवे यानी कि 22 फुट ते उहदा CLU हो जांदा। CLU मीनज चेंज लैंड यूज फॉर इंडस्ट्री। ये ज़मीन नूं तुसी इंडस्ट्रियल यूज लई भी वरत सकदे आ, तुसी एग्रीकल्चर लई वरत सकदे आ। तुसी बूटे वेखो, तीसरे साल च बूटे जिहड़े हैगे लगभग कट्टण दे काबल हो गए आ। ग्रोथ बूटियां दी धरती बूटियां लई बहुत ही वधिया। ज़मीन जिहड़ी हैगी आ 30 किले प्लस
बड़ी मेहनती सारी चीज बूटे लगे हुए पॉपुलर। इन्हां पॉपुलरां दे विच तुसीं मल्टी क्रॉप्स भी कर सकते हैं। कुछ फसलां होंदियां कि जिहड़ियां शाम च होंदियां, शामें होंदियां चाहे छोरे च होंदियां, जिद्दां कि हल्दी, हल्दी जमीन दे विच इक घर आ, बैडरूम बने हुआ। ये ट्यूबवैल आ, चार दी डिलीवरी आ, पानी का प्रेशर देख सकते हैं। इस तरह इतने जो पानी का लैवल है लगभग 120 फुट। जमीन जी है बहुत ही फर्टाइल है बूटियां लिहाज नाल। ये सारी च पॉपुलर लगा है, इधर भी सारा पॉपुलर है। इस साइड ते थोड़ा कोलोन से फायदा भी है, लगभग 1.5 किले। ये लगभग 3-4 किलियां च आलू बीजे हो सके। अपनी बाउंड्री वो लास्ट घूम गई, आ दरख्तों के नाल नाल आपां घूमे आ सफेदी की बाउंड्री के नाल नाल। फिर अगे आ गए पॉपुलर, 3 मोटर जिहड़ा जमीन 22 फुट के रोड के उपर हुंदी आ उहदा CLU हो जाता, चेंज लैंड यूज। किसी कल इंडस्ट्री लगानी हो, एरिया दे विच कोई फॉरेस्ट एक्ट नहीं है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एक्ट है जिन्हें एरिया दे विच लगता उत्थे आपां कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। कुछ लोग कह देंगे कि नंबर डीलिस्टड है, चाहे डीलिस्टड होन चाहे कुछ होन, तुसीं सिर्फ खेतीबाड़ी कर सकते हैं, परसनल यूज लई उन्हों यूज कर सकते हैं, पर उत्थे इंडस्ट्री नहीं लग सकती। हाँ, फॉरेस्ट टूरिज्म का कुछ कंसैप्ट अलग इशू है, लेकिन जिदा कोई आप पोल्यूशन की इंडस्ट्री लगानी पोल्यूशन वाली, वो उस जमीन के इंडस्ट्री नहीं लग सकती। ये लीची के बूटे भाजी, यानी कि लीची का बाग ही वधिया लग सकता इत्थे। जे किसी वीर भैन भरा ने लीची का बाग भी लाना हो, लीची लिए भी जमीन बहुत बहुत वधिया तुसीं देख सकते हैं ग्रोथ बूटियां दी। जो वीर भैन भरा फस्ट टाइम इस चैनल च आए हैं, वीडियो फस्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो। वीडियो वॉच करने लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये अमरूद का बूटा, ये अंबा का बूटा, हाँ 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 तो सभी भाइयों से निवेदन है कि यदि आपने पंजाब में कोई भी ज़मीन ख़रीदनी हो तो पहले जो भी डीलर हो उसका आप क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर देखिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ऐसे ना हो कि आपके पैसे कैसे फंस जाएं। आज संसार में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं, तो आप उन सभी से सावधान रहिए। वीडियो वॉच करने के धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा।